हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीमा क्रिएटिव आइडियाज़। आज मैं बनाने वाली हूँ एग मलाई करी, ये देखिए। और मैं इसे इंजॉय कर रही हूँ चावल के साथ। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, यकीन मानिए। ये बनाने में तो बहुत इजी है, इसकी जो रेसिपी है बहुत ही सरल है, लेकिन जब इसको आप खाएंगे तो मुँह में मसालों का और फ्लेवर्स का जो ब्लास्ट होगा ना, वो बहुत ही गज़ब का होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल बटन को भी दबाना ना भूलें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चार अंडों को उबाल के ऐसे बीच से स्लाइस कर लिया है। अब एक पैन गरम कर लेते हैं। उसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, 4 टेबल स्पून के करीब। अब तेल जैसे गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 हरी मिर्च को मैंने ऐसे पेस्ट बना लिया है, इसको डाल देंगे। अब इसको हमें फ्राई करना है अच्छी तरह से, एकदम लो फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। तो देखिए, प्याज बहुत हद तक कुक हो चुका है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है भी बहुत कम हो चुकी है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाएं, नहीं तो प्याज जो है वो नीचे से चिपक जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा हमारा जो करी बनने वाली है, मलाई करी। तो इसको बीच बीच में चलाते रहें और पकाते रहिए। तो देखिए, इसका जो मात्रा है बहुत कम हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च, बीच से मैंने इसको काट लिया है, स्लाइस कर लिया है। हरी मिर्च हमने पहले भी प्याज के साथ पेस्ट बनाया है, तो आप जितना तीखा खाते हैं उसके अनुसार ही डालें। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है अदरक और लहसुन को मैंने ऐसे दरदरा कूट लिया है, इसको डाल दिया मैंने। आप लोग पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। अब प्याज और लहसुन को भी लहसुन और अदरक को भी हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है, इसका जो कच्चापन है वो पूरा निकल जाना चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च का पाउडर। आप लोग बिना कूटे जो पाउडर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं काली मिर्च का। इसमें काली मिर्च जो है बहुत ज़रूरी होती है। अब सारी चीज़ों को हमें फ्राई करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। अब हमें मसालों को अच्छी तरह से पकाना है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस इसमें इतने ही मसाले लगते हैं, ज़्यादा मसाले इसमें बिल्कुल नहीं जाता है, फिर भी इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको फ्राई कर लिया है ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना। तो देखिए, मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 गिलास से थोड़ा सा कम दूध। अगर आपको लगता है कि ये ग्रेवी जो है थोड़ी सी गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा और भी दूध ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए एग्स। पहले हमें एग को ऐसे उल्टा करके ही डालना है ताकि जो इसका जो अंदर का पोर्शन है वो पानी में घुल ना जाए, दूध में घुल ना जाए। तो पहले ऐसे एक बार कुक कर लेंगे, फिर बाद में एक बार इसको पलट के कुक कर लेंगे। तो देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है, अब इसको एक बार पलट लेते हैं। तो अब इसको पलटने के बाद फिर से हमें 2-4 मिनट के लिए ढक के पका लेना है। तो देखिए, रेडी है हमारी ये एग मलाई करी। इसको हम हरे धनिए से सर्व करेंगे, गार्निश करेंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों और बहुत ही फटाफट बन जाती है।
लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको चाहे पराठे के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए अपने घर पे और मुझे कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।